गरियाबंद वन मंडल के अंतर्गत सड़क परसुली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर शेड्यूल वन प्राणी तेंदुआ मृत अवस्था में मिला है, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम कर इसे जलाने की तैयारी की जा रही है। वही इस संबंध में एसडीओ वन चंद्राकर से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि उक्त तेंदुए के पोस्टमार्टम करने के लिए 3 डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है। वही पोस्टमार्टम के बाद पशु चिकित्सक डॉक्टर पंच भावे ने बताया कि उक्त तेंदुआ लगभग 12 वर्ष का हो चुका था और इसकी मौत प्राकृतिक है। सिर पर जख्म के संबंध में वे कहते हैं कि कीड़ों ने खा लिया, इसलिए जख्म बन गया। साथ ही तेंदुए का विसरा को अलग अलग हिस्सों में रखा गया है, इसे जांच हेतु रायपुर भेजा जा रहा है। दरअसल तेंदुआ शेड्यूल वन प्राणी होने के कारण और लगातार घटती संख्या को लेकर वन विभाग स्वयं चिंतित है। देखने से लगता है कि तेंदुआ की 3-4 दिन पूर्व मौत हो गई है और जख्म पर मक्खियां बिलबिला रही है, जिसके चलते इसका पोस्टमार्टम के बाद इसे नियमानुसार अग्निदाह किया जा रहा है। इस संबंध में एसडीओ वन चंद्राकर ने चर्चा करते हुए कहा कि तेंदुओं को देखने से लगता है कि उसकी प्राकृतिक मौत है। परसुली सर्किल है, उसमें जो कक्ष है हमारे, वहाँ पर एक तेंदुआ मृत पाया गया है। लगभग 2 से 3 दिन पूर्व मृत्यु हुई है लगता है, और सारे उसके जो पार्ट्स हैं जैसे नाखून वगैरह है सब सही सलामत है, और बीच में एक जगह कटा का निशान है सिर के ऊपर से, बाकी अंदर और बाहर से कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से प्राकृतिक मौत हुई होगी, और बाकी जो कहना है वो डॉक्टर साहब आके अभी पोस्टमार्टम करेंगे। 3 डॉक्टरों का दल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके पश्चात ही पता चल पाएगा। सर, उसके सर पर गहरा जख्म है, लंबा चौड़ा? सर पर गहरा जख्म नहीं दिख रहा है, ऊपर स्किन कटा हुआ दिख रहा है सर पर, बस वही है। क्या कारण देखते हैं उसके पीछे सर? हो सकता है बिजली गिरने से भी हो सकता है, या 2 तेंदुआ की लड़ाई भी हो सकता है, या मतलब उस टाइप से। लेकिन यदि कोई मारा होता, शिकार किया होता, तो उसके पार्ट्स गायब होते, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से उसके पार्ट्स गायब नहीं हुए। तो इस मौत को क्या मानेंगे सर? हमारे हिसाब से तो अभी तक प्राकृतिक मौत है, लेकिन जो डॉक्टर है परीक्षण करने के पश्चात बताएंगे कि मृत्यु कैसे हुई।